हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग चैनल में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए। पहले तो हमने पहले पढ़ा था कि मार्केटिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग टू कंजप्शन। मार्केटिंग चैनल जो है उस लॉन्ग प्रोसेस को फैसिलिट करता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब वो गुड्स पहुंचता है या कोई प्रोडक्ट पहुंचता है तो बहुत सारे पॉइंट्स पे रुकता हुआ जाता है, बहुत सारे हैंड्स से होते हुआ जाता है, बहुत सारे मिडिल मैन के थ्रू जाता है वो। तो ये जो रूट है, जो जाने का जो रास्ता है, वही आपका मार्केटिंग चैनल कहलाता है। मार्केटिंग चैनल आर द रूट्स थ्रू विच अ प्रोडक्ट moves from producer to consumer. It may be defined as alternative routes of product flow from the producer to ultimate consumer. और मोरे साहब ने इसको define किया है, the chain of intermediaries through whom the various food grains pass from the producer to consumer. यानी का मतलब क्या है? यानी का मतलब ये है कि ये बहुत सारे लोग जो रास्ते में हैं marketing process को फैसिलिटेट करते हैं, उसमें मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज। और ये जो इंटरमीडियरीज का जो चेन है वही उसका चैनल है और उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल, जिनके थ्रू ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है। कोई भी चैनल जो है विदाउट इंटरमीडियरीज के कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो है बिना जो मिडिल मैन है उनके सपोर्ट के, उनके हेल्प के, वो कंज्यूमर तक नहीं आता है। कोई ना कोई मिडिल मैन जरूर होता है। जो जो ये रास्ता होता है उस रास्ते को, इस जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। अब देखिए, ये मार्केटिंग चैनल जो है ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि जो सेम वैसे जैसे हम लोग कोई रास्ता चुनते हैं तो वैसे ही वही प्रोडक्ट का भी एक रास्ता होता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर पटना जाएं तो सारे एक ही रास्ते से जाएं, कोई अल्टरनेट वे भी हो सकता है। जरूरी नहीं पटना आप मुजफ्फरपुर होके जाए, पटना आप इधर भागलपुर होके भी जाए। तो कहने का मतलब क्या है, दीज आर द अल्टरनेटिव रूट्स फ्रॉम विच प्रोडक्ट मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। वैसे ही गुड्स के भी जो है प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसके भी जो अलग अलग चैनल होते हैं, अलग अलग चैनल हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। कहने का मतलब मार्केटिंग चैनल्स ऑफ प्रोडक्ट नेवर फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं होता है। जहाँ पे कम कॉस्ट पड़े, जहाँ पे कन्वीनियंस हो, जो प्रोड्यूसर को, जो इंटरमीडिएटरी को पसंद आए वो चैनल फॉलो करते हैं। और जनरली हम मार्केटिंग चैनल की जब बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं एज ए मार्केटियर, एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एज ए मैनेजर, हम क्या कोशिश करते हैं एज ए फार्मर कि हम छोटे से छोटे चैनल को थ्रू जो है हम इसको प्रोडक्ट को मूव कराएं, मतलब कम से कम लोग बीच में हो, सो दैट कि उसका कॉस्ट कम आए, मार्केटिंग कॉस्ट कम आए, मार्जिन हमको ज्यादा मिल सके। ये देखिए, मार्केटिंग चैनल बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे मान लीजिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या होता है, दे आर पेरिशेबल इन नेचर, उनके लिए क्या चाहिए, सॉर्ट रूट चाहिए आपको। लेकिन फूड ग्रेन्स के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको हम महीने दो महीने तक रख सकते हैं तो वो लंबे दूर तक चला जाता है, ठीक है, उनको आप कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स का ऐसा नहीं, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेरी करता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस, या प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है, लोड साइज कितना है। भाई देखिए, एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास एक बोरा दो बोरा है, एक लार्जर फार्मर है जिसके पास 100-200 क्विंटल्स या 100-200 बोरा जो है प्रोड्यूस है। तो ऐसा तो नहीं कि सबको एक ही रास्ते से ही, सबको एक ही तरीके से हम मूव कराएंगे। डेफिनेटली देर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स फॉर। उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस की हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में होते हैं, उसे हम ग्रेडिंग करते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट है तो जनरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्वालिटी का जो होता है उसको जो हम कहते हैं भाई इसको इंटरनेशनल मार्केट में भेज दियो, एक्सपोर्ट करते हैं उसको, और जो जो अच्छी क्वालिटी का उसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। किसान भी कहता है कि जो लोअर क्वालिटी का होता है उसको अपने यहाँ रख लेते हैं, लेकिन जो बड़े क्वालिटी का उसको मार्केट में भेज देता है। तो जो इनका चेन है ना वो वेरी कर जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, स्मॉलर और लॉन्गर हो जाता है। उसके बाद टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। कैसे टाइम टू टाइम भाई, जैसे मान लीजिए कोई से कोई क्रॉप या कोई फूड ग्रेन्स है, कोई प्रोड्यूस है जिसको हमने कटाई के जस्ट बाद भेज दिया, और एक प्रोडक्ट है जिसको हमने कटाई के बाद जस्ट बाद ना बेच के उसको हम 10 महीने बाद बेचे, जब उसका ऑफ सीजन आ गया, जब उसकी डिमांड बढ़ी, था दोनों का तो रूट चेंज हो जाएगा ना। जो कटाई के बाद में जस्ट बाद में बेच दिया, उसको ट्रेडर ले जाएगा, अपने पास स्टोर करेगा, उसका फ्यूमिगेशन होगा, उसका पूरा एक साइंटिफिक केयर होगा, फिर वो उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फिर बाहर मार्केट में जाएगा या प्रोसेसर के पास जाएगा, गॉड नोस। बट रूट अलग हुआ, ये समय के आधार पे कब बेचा फार्मर उस पर डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री भी करता है। कंट्री टू बिल्कुल बात है कि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के पास असेट्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड है, तो उनका अलग तरह का एक सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का मार्केटिंग चैनल देखने को मिलता है। लेकिन वैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे आपको एक अलग तरह का चैनल देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है, वो कॉस्ट के हिसाब से अलग हो सकता है, वो आपके ड्यूरेशन के हिसाब से अलग हो सकता है, या फिर आपके वो कन्वीनियंस के हिसाब से हो सकता है, ठीक है, वो अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग हो सकता है, बट डिफरेंट मिलेगा अलग अलग कंट्री में। जरीनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भारत और अमेरिका में एक ही तरह से ट्रांसपोर्ट करते हो, एक ही तरह से प्रोसेस करते हो, यहाँ पर डिफरेंस होगा। फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड, भाई देखिए कंज्यूमर भी तो ऐसा होता है ना कि उसको किस फॉर्म में चाहिए प्रोडक्ट, उस पर भी मार्केटिंग चैनल डिपेंड करता है। अब मान लीजिए फ्रूट का जो है कंज्यूमर को डिमांड है भाई उसको जूस चाहिए फ्रूट्स का, तो डिब्बा बंद वाला जूस सप्लाई करना पड़ेगा, उसका पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स को जो है फ्रूट चाहिए तो उसको फ्रूट सप्लाई करना पड़ेगा, तो डिमांड क्या है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली लोग क्या डिमांड करते हैं कि भाई उनका रेडी टू ईट होना चाहिए, रेडी टू सर्व होना चाहिए, आया थोड़ा सा हल्का सा पानी में डाला, गर्म पानी में डाला या किसी में डाला और वो तैयार हो गया और उसको सर्व कर लिया, तो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट उनको पसंद होते हैं, तो डेवलप कंट्रीज में उनकी डिमांड होती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग कह रहे देसी टाट वाले, उनको तो आटा भी रेडीमेड नहीं चाहिए, उनको तो अनाज चाहिए, अनाज को ले जाके अपनी चक्की में पीसेंगे, घर की चक्की में पीसेंगे या गाँव में पिसाएंगे, फिर वो आटा बना रोटी खाएंगे। दिस इज द कंट्री, देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ विजडम, डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट, सो मेनी डिफरेंसेस आर अमंग द कंट्रीज, तो उसके आधार पे वहाँ का मार्केटिंग चैनल डिपेंड करता है। एक होता है रीजनल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट, पर डेफिनेटली किसी एरिया में जो है कोई चीज प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में एप्पल होता है, तो अब वहाँ के लिए वो मार्केटिंग चैनल अलग होगा, और वही चीज अगर कहीं और प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए अलग होगा। तो ये कहाँ पे किस चीज का प्रोड्यूस हो रहा है उसके आधार पे भी, उस प्रोडक्शन के स्पेशलाइजेशन के आधार पे भी ये वेरी करता है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल की हम बात कर लिए, अब देखिए मार्केटिंग चैनल की हम अगर कम्युनिटी वाइज बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम जैसे मार्केटिंग चैनल अगर हर क्रॉप का अलग होता है, कोई फिक्स में चैनल नहीं है, इवन एक क्रॉप का भी कोई चैनल फिक्स नहीं है। जैसे कि अभी अभी हम बता रहे कि मार्केटिंग चैनल फॉर सीरियल्स में भी वीट का लिया एग्जाम्पल हमने, ये कोई जरूरी नहीं कि ये जो पंजाब में है वो चैनल राजस्थान में अप्लाई हो, या फिर जो उड़ीसा में या फिर साउथ में अप्लाई हो, ये वेरी कर सकते हैं। मार्केटिंग चैनल आर नॉट फिक्स, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये वेरी कर सकता है। और एज ए मार्केटियर, एज ए फार्मर, हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में और कंज्यूमर के बीच में कोई भी नहीं आए, मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट चैनल की हम बात करते हैं।
डायरेक्ट चैनल बहुत सारे प्रोड्यूस ऐसा होता है फार्मर्स से कंज्यूमर डायरेक्ट चले जाता है, भले ही उसका परसेंटेज कम हो लेकिन होता है कि कंज्यूमर जाता है किसान से डायरेक्ट खरीद के ले आता अपना वीट। फिर फार्मर्स टू रिटेलर्स या विलेज ट्रेडर या फिर कंज्यूमर, फिर फार्मर्स टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, फार्मर्स टू विलेज ट्रेडर होलसेलर और रिटेलर, फार्मर्स टू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज टू रिटेलर्स टू कंज्यूमर, फार्मर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI टू फेयर प्राइस शॉप टू कंज्यूमर, फार्मर्स टू होलसेलर टू फ्लोर मिल एंड प्रोसेसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। ये डिफरेंट चैनल है जो वीट के लिए हम जनरली मार्केट में देख सकते हैं। अब ये सही मार्केटिंग चैनल फॉर फ्रूट्स, मार्केटिंग चैनल फॉर पल्सेस, मार्केटिंग चैनल फॉर मिल्क, दीज आर सम इम्पोर्टेंट मार्केटिंग चैनल। ये आपको जो आचार्य ने अग्रवाल साहब की बुक है उसमें से आप देखेंगे सब प्रॉपर से मिल जाएगा। हम इस वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। आई विल सी इट।